हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सतिया जानपुर। आज मेरे क्लास सिक्स का जो लेसन है द हेन विच इज़ रिटन बाय हेक्टर ह्यू मनरो, इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज को डिस्कस करूँगी। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन जानना हो वर्ड बाय वर्ड तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। क्लास सिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर आपको ये लेसन मिल जाएगा। क्लास सिक्स के कई सारे लेसन मैंने इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, गो एंड विजिट। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर ओनली क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज डिस्कशन ऑफ दिस लेसन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पर MCQs चूज द करेक्ट ऑप्शन हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो पूछा गया है, जेन मार्टलेट यूजुअली स्टेड एट मिसेस सैंग्रेल्स हाउस फॉर। जेन मार्टलेट जो कि क्लॉविस की आंटी थी, उनके बारे में क्वेश्चन है कि वो मिसेस सैंग्रेल कौन है, क्लॉविस की मम्मा है। मिसेस सैंग्रेल के यहाँ कितने दिन तक यूजुअली रुका करती थी, तो आंसर है फोर्टनाइट। फोर्टनाइट किसे कहते हैं? फोर्टनाइट का मतलब कोई रात से नहीं होता है, फोर्टनाइट का मीन्स होता है 14 डेज, यानी कि 14 दिनों से कम नहीं रुकती थी वो। तो सही आंसर होगा आपका बी वाला। द बी पार्ट इज आस्किंग, मिसेस सैंग्रेल कुड नॉट पुट डोरा ऑफ बिकॉज शी। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, यानी कि मिसेस सैंग्रेल जो थी वो डोरा के आने को पोस्टपोन नहीं कर पाई, डोरा को रोक नहीं पाई यहाँ आने से, क्योंकि शी हैड ऑलरेडी पोस्टपोन हर विजिट वंस, क्योंकि वो पहले ही एक बार उसके विजिट को पोस्टपोन कर चुकी थी। तो सही आंसर होगा आपका बी। थर्ड इज आस्किंग, क्लॉविस टोल्ड जेन दैट स्टरिज वॉज कोल्ड। क्लॉविस जो है वो जेन मार्टलेट को क्या बताता है स्टरिज के बारे में? तो जेन मार्टलेट को पूरी कहानी समझाता है वो स्टरिज अपने सर्वेंट, स्टरिज कौन है, सर्वेंट है उसका नौकर है, नौकर को लेके पूरी कहानी क्रिएट करता है। शुरुआती वो यहाँ से करता है कि वो हमारे परेशानी का कारण है। तो जो सही आंसर होगा इसका न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब होता है प्रॉब्लम, तो स्टरिज वॉज अ न्यूसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लॉविस टोल्ड जेन दैट स्टरिज बिलीव्ड शी वॉज, यानी क्लॉविस जेन मार्टलेट को क्या बताता है कि स्टरिज उन्हें क्या समझता है? तो क्लॉविस ये बताता है कि स्टरिज को लगता है कि उनकी आंटी यानी जेन मार्टलेट क्या है, क्वीन एन है। ठीक, गोस्ट ऑफ क्वीन एन गलत आंसर है, क्योंकि जब आपस में ये लोग डिस्कशन करते हैं और स्टरिज की कहानी जब क्लॉविस समझाता है जेन को, तो वो कहता है कि वो आपको समझता है कि आप क्वीन एन है। इस पर वो पूछती हैं वापस, आंटी पूछती हैं, जेन मार्टलेट पूछती हैं क्लॉविस से कि क्या वो मुझे भूत समझता है उसका? तो उसका आंसर वो कहता है नहीं, आप कितनी अच्छी हो, गुड लुकिंग, आपको कैसे वो भूत समझ सकता है। अगर आपने एक्सप्रेशन सुना हो तो आपको ये चीज़ पता होगी। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ इसका आंसर क्यों नहीं होगा द गोस्ट ऑफ क्वीन एन। सही आंसर होगा क्वीन एन, क्योंकि उसको वो घोस्ट नहीं समझता था बल्कि वो क्वीन एन असलियत में समझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आपको स्टोरी का एक लाइन या दो लाइंस आपको उठा के दे दी गई हैं, उनसे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑन द कॉन्ट्रेरी द डिफिकल्टी विल बी टू गेट देम टू लीव ऑफ। ये किसने बोला था? ओके, तो ये बोला था क्लॉविस ने। किससे बोला था? अपनी माँ से, क्योंकि उनकी माँ ने, क्लॉविस की माँ ने यानी मिसेस सैंग्रेल ने जब पूछा कि क्या वो लोग ने आपस में बात करना बंद कर दिया है, तुम्हें लगता है क्या वो लोग आपस में बात नहीं करेंगी अगर एक साथ मौजूद होंगी? तो इसके जवाब में क्लॉविस कहता है, आप बात करने की बात कर रही हो, वो लोग आपस में बहस करना नहीं बंद करेंगे, उनको कोई अलग नहीं कर सकता बहस करवाने से। तो यहाँ पे जो लीव ऑफ है, लीव ऑफ का मतलब है टू स्टॉप आर्ग्यूइंग, राइट, यानी दोनों जब मिलेंगी तो बहस करे बिना नहीं रह पाएंगी। आप बात करने की बात करती हो जबकि कंडीशन यहाँ पे ये है कि वो लोग आपस में लड़े बिना नहीं रह पाएंगी। दिस इज़ द स्टेटमेंट मेड बाय क्लॉविस टू हिज मदर। तो सही आंसर होगा आपका, क्लॉविस सेड दीज वर्ड्स टू हिज मदर मिसेस सैंग्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे देम किसके लिए यूज़ हुआ है? तो आपको बता दिया मैंने, देम यूज़ हुआ है जेन मार्टलेट और डोरा के लिए, यही दोनों आपस में दुश्मन हो गई थी एक हेन को लेकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वजह पूछी गई है, वाई वुड इट बी डिफिकल्ट टू गेट देम टू लीव ऑफ। लीव ऑफ का मतलब क्या बताया मैंने अभी, टू स्टॉप आर्ग्यूइंग, यानी दोनों आपस में बहस किए बिना क्यों नहीं रह पाएंगी, उन्हें कोई अलग क्यों नहीं कर पाएगा बहस कराने से। इसका आपसे रीज़न पूछा गया है, यानी आपको उन दोनों के बीच जो बोन ऑफ कंटेंशन थी, यानी दोनों के बीच झगड़े की जो जड़ थी, वो आपसे यहाँ पे पूछी गई है। तो इसका आंसर ये है कि एक्चुअली डोरा और जेन के बीच जो झगड़े की जड़ थी वो एक हेन थी। एक्चुअली डोरा ने जेन को एक एग्जॉटिक कहते हैं फॉरेन की, बाहर की, एक बाहर के हेन की ब्रीड थी, अच्छी क्वालिटी की हेन थी, वो बेची थी, बहुत ही हाई प्राइस से बेची थी। और जेन ने उसको खरीदा क्यों था डोरा से? जेन हैड थॉट, जेन को लगता था कि शी वुड गेट चिकन्स, उससे वो क्या करेगी, बहुत सारे चिकन्स इससे मिलेंगे उसको उस हेन से। लेकिन मज़े की बात ये थी कि जो हेन थी डिड नॉट ले एनी एग्स, उस हेन ने कोई अंडे ही नहीं दिए। इसी तरीके से इस वजह से दिस बिकेम अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यही झगड़े की वजह बन गई दोनों के बीच कि तुमने मुझे एक ऐसी हेन को बेच दिया जो जिसने एग ही नहीं दिए। ओके, देयरफॉर इट वुड बी डिफिकल्ट टू गेट देम टू लीव ऑफ, यही वजह थी कि दोनों को लीव ऑफ करना यानी उनके बीच आर्ग्यू को बंद कराना बहुत मुश्किल था।
नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इट वुड अपसेट हर ग्रेटफुली, ये किसने बोला था और किससे बोला था। एक्चुअली जब क्लोविस ने पूरी कहानी बना ली थी वो स्टारिज की, अपने नौकर की, और जेन मार्टेट को सुना डाली थी, यहाँ तक वो पहुँच गया था सुनाते सुनाते कि वो आपको क्वीन एन समझता है, इससे मिस जेन मार्टेट बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। तो वो कहती हैं कि तुम्हारे मम्मी को इस बारे में पता होना चाहिए, उनको इस बारे में बताओ कि स्टारिज के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके रिवर्ट में क्लोविस उनको समझाता है कि नहीं भाई, मेरी मम्मी को इस बारे में कुछ नहीं पता होना चाहिए, अगर आप बता दोगे तो इट वुड अपसेट हर, ये बात उनको अपसेट कर जाएगी, ड्रेडफुली मतलब कम्प्लीटली हॉरिबली, यानी उनको बुरी तरीके से परेशान कर देगी ये बात कि उनका जो नौकर है, क्योंकि वो उनमें बहुत टाइम से बिलीव करती हैं, अपने नौकर को बहुत ज़्यादा समय से वो उसके लिए फेथफुल है, तो अगर उनको पता चलेगा स्टोरेज के बारे में तो वो अपसेट हो जाएंगी, इसलिए उनको नहीं बताइएगा ये सेंटेंस। इसलिए किसने बोला था, क्लोविस ने बोला था, किससे बोला था, जेन मार्टलेट से बोला था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे हर किस लिए यूज़ हुआ है, यानी स्पीकर ने यानी कि क्लोविस ने हर किसके लिए यूज़ किया है, तो उसका आंसर मैं दे चुकी हूँ आपको, अपनी मम्मी के लिए यानी मिसेस सैंग्रेल के लिए यूज़ किया है क्लोविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट वुड अपसेट हर एंड व्हाई, यानी क्लोविस किस बारे में यहाँ बात कर रहा है, क्या चीज़ हर को यानी कि मिसेस सैंग्रेल को अपसेट कर देगी। तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि क्लोविस ने जेन मार्टलेट को बताया कि स्टरिज को डिलीजेंस आते हैं, गेस्ट को देखकर, मेहमानों को देखकर वो इतराज रख के ख्याल बनाता है, इन हर केस और उनके केस में यानी जेन मार्टलेट जो अभी मेहमान बन के रह रही हैं इनके केस में, क्लोविस ने बताया कि स्टरिज को लगता है कि वो डेड क्वीन एन है, और क्लोविस ने ये भी कहा ही इवन कॉट हिम, उसने तो उसको रंगे हाथों पकड़ भी लिया स्टारिज को, जब वो जेन मार्टलेट को घूर रहा था, ग्लेयरिंग मतलब होता है घूरना, उनको घूर रहा था एंड मर्मरिंग और मनी मन कह रहा था, मर्मरिंग कहते हैं धीरे से आवाज़ में बोलना, बुदबुदाना, जिससे दूसरा इंसान ना सुन पाए, कान लगा के ही सुन पाए, और मैंने उसको बुदबुदाते हुए सुन लिया कि इसने बोला था शी शुड हैव बीन डेड, ये क्वीन एन यहाँ क्या कर रही है, इनको तो मर जाना चाहिए था। ओके, हाउएवर, हालांकि ही डिड नॉट वॉन्ट हिज मदर टू नो ऑफ दिस, वो चाहता था यानी कि क्लोविस चाहता था कि उसके माँ को ये पता ना चल पाए स्टोरेज की इस प्रॉब्लम के बारे में कि वो गेस्ट को देखकर कहानियाँ बनाता है, ये सब उसकी मम्मा को पता ना चल पाए, क्योंकि स्टोरेज जो था हैड बीन विद देम फॉर मेनी इयर्स, कई सालों से उनके घर में था एज अ नौकर, एंड हिज मदर रिलाइड ऑन हिम वेरी मच, रिलाइड मतलब होता है भरोसा करना, और उसकी मम्मा अपने नौकर पर यानी स्टोरेज पर बहुत भरोसा करती थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि ये बात उसकी मम्मा को पता चले। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन इज, I wish you would take it to her. My hands are all over in oil. अब देखिएगा ये जो स्टेटमेंट है वो कहानी में किस जगह पे आया है। एक्चुअली जब क्लोविस पूरा ट्राई कर लेता है अच्छे से, पूरी कहानी समझा देता है मिस जेन मार्टलेट को कि आपको वो भूत समझता है नॉल, इसके बाद भी जेन मार्टलेट टलने को तैयारी नहीं होती हैं, घर छोड़ने को जा ही नहीं रही होती हैं, वो यहाँ पे रुकी हुई होती हैं, तो उसको लगता है कुछ और मुझे करना चाहिए, तो वो अपना लास्ट ट्रिक अपनाता है, लास्ट चाल अपनाता है कि क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि जेन मार्टलेट डर तो गई हैं स्टारिज से, सर्वेंट से डर तो गई हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो स्टारिज उनसे बस दूर रहे तो उनको कोई खतरा नहीं है, तो उनको और अच्छे से डराने के लिए कि वो डर के मारे यहाँ से चली जाएँ, तो वो एक प्लॉट रचता है कि मैं क्या करता हूँ, अपने नौकर स्टरिज के हाथ एक तलवार जो बिना शेद के यानी बिना केस के अपने हाथ में पकड़ के वो जब जेन मार्टलेट की तरफ जाएगा तो जेन मार्टलेट को लगेगा कि वो मुझे मारने आ रहा है, तो वो फौरन वहाँ से भागेंगी, और इस प्लॉट को रचने के लिए वो अपना गोल्ड स्टिक निकाल के बैठ जाता है जिसमें काफ़ी समय से जंग लगी होती है, रस्ट लगी होती है, उसको ठीक करने बैठ जाता है जानबूझ के, क्रिएट करता है सब चीज़ें, और अपने नौकर को बुलाता है और कहता है कि तुम देख रहे हो कि मेरे हाथ सने हुए हैं ऑयल में, क्योंकि जो जंग को हटाया जाता है वो ऑयल से साफ़ करके ही हटाया जाता है, माई हैंड्स आर ऑल ओवर इन ऑयल, मेरे हाथ सने हुए हैं ऑयल में, मुझे उम्मीद है कि तुम ये काम मेरे लिए कर दोगे। यू वुड टेक इट टू हर, इट मतलब तलवार, तुम इस तलवार को ले जाकर हर मतलब जेन मार्टेट को दे दोगे क्योंकि मेरे हाथ सने हुए हैं, ये लाइन बोली थी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु सेड दीज वर्ड्स टू हूम, ये वर्ड्स किसने बोले, तो आंसर क्या होगा, क्लोविस ने ये वर्ड्स बोले थे अपने नौकर स्टारिज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्पीकर क्या कर रहा था, यानी कि क्लोविस क्या कर रहा था कि उसके हाथ सने हुए थे ऑयल में, तो उसका आंसर है क्लोविस क्या कर रहा था, अपने गोल्फ स्टिक में से रिमूव कर रहा था रस्ट स्पॉट्स को, यानी जो जंग के धब्बे लगे हुए थे उसको वो हटा रहा था, छुड़ा रहा था, इसलिए उसके हाथ ऑयल में सने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट डस इट रेफर टू इन द सेंटेंस, इट किसको रेफर कर रहा है, तो तलवार को मैं आपको बता चुकी हूँ, यानी कि ओल्ड बास्केट हिल्टेड, ओल्ड बास्केट हिल्टेड का मतलब है
यानी तलवार ऐसे ओपन नहीं टंगी होती है दीवार पर, ऑब्वियसली किसी ने किसी केस में रखी होती है। तो यहाँ जो केस है ना, जो उसका हैंडल वगैरह जो उसमें रखा जाता है, उस केस को बोला जा रहा है बास्केट हिल्टेड सॉर्ट, यानी बास्केट में रखी हुई सॉर्ट टंगी हुई थी दीवार पर, उसकी तरफ इशारा कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, होम डिड द स्पीकर विश द थिंग टू बी टेकन टू, वाई, यानी स्पीकर यानी क्लोविस ने उस चीज़ को जो ले जाने की बात कही थी, किसकी तरफ ले जाने के लिए कहा था, किसको देने के लिए कहा था वो चीज़ और क्यों कहा था। तो क्लोविस ने तलवार को ले जाने को बोला था जेन मार्टलेट की तरफ, और उसने समझाया था स्टारिज को, नौकर को, कि जेन क्या करना चाहती है, कॉपी करना चाहती है उस तलवार पे जो इंस्क्रिप्शन है, जो डिज़ाइन बनी हुई है, क्योंकि वो बहुत पुरानी तलवार है, जो इंस्क्रिप्शन उस पर है वो नोट करना चाहती है, कॉपी करना चाहती है, तुम उसको ये दे के आओ। इसके बाद डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे। पहला क्वेश्चन है कि डोरा ने जेन को क्या बेचा था और उनकी फ्रेंडशिप किस तरीके से स्पॉइल हुई। ये क्वेश्चन मैं पहले कवर कर चुकी हूँ आपका, कि डोरा ने जेन को एक एग्जॉटिक ब्रीड भेजी थी, लेकिन वो जो ब्रीड थी वो एगलेस निकल आई, इस वजह से उनकी फ्रेंडशिप स्पॉइल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू क्लोविस एंड जेन व्हाट वुड मेक वन गो मैड। क्लोविस और जेन के हिसाब से किस चीज़ से इंसान पागल हो जाएगा, व्हाट वुड मेक वन गो मैड, वन मीन्स किसी को भी क्या चीज़ पागल कर सकती है। तो उसका आंसर होगा क्लोविस और जेन के हिसाब से, इफ़ अ पर्सन वॉज टू ऑर्डरली, बात कर रहे थे स्टरिज की दोनों लोग, कि स्टरिज कितना ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है, ऐसे कैसे कोई इंसान हो सकता है कि इतने लंबे समय से वो हर चीज़ अच्छे से कर रहा हो, कभी कोई गलती ना हो, उससे बोर नहीं हो जाता है वो इंसान, क्या पागल हो जाए ऐसे इंसान। तो वही लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा ऑर्डरली का मतलब ऑर्गेनाइज, इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहे हर काम सही मैनर में और वही उसी जगह में काफ़ी लंबे समय से करता रहेगा, इट वुड मेक द पर्सन गो मैड, वाकई ये चीज़ क्या कर देगी, इंसान को पागल बना देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लोविस के हिसाब से स्टारिज को क्या हो गया था, स्टारिज के साथ क्या प्रॉब्लम थी। तो क्लोविस के हिसाब से स्टारिज एक ऑर्डरली पर्सन था, बहुत ऑर्गेनाइज पर्सन था, इसी वजह से वो परेशानी का कारण बन गया था और उसको डिल्यूजन्स आने लगे थे, वो गलत गलत सोचने लगा था किसी भी गेस्ट के बारे में जो वहाँ पर विजिट करता था। लेट मी टेल यू हियर दैट ऐसा कुछ भी नहीं था, स्टारिज बिल्कुल ठीक ठाक था, जेन मार्टलेट को सिर्फ कहानी समझाने के लिए बना रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोविस के हिसाब से स्टारिज को क्या लगता था जेन मार्टलेट क्या थी, जेन मार्टलेट को वो किस चीज़ से मैच कर रहा था, किस चीज़ से मिला रहा था, और ये बात क्लोविस को क्यों परेशान कर रही थी। तो क्लोविस के हिसाब से स्टारिज को लगता था कि जेन मार्टलेट कोई नहीं बल्कि क्वीन एन है, जो कि कई साल पहले मर गई थी, और ही सेड इट बदर्ड हिम, उसने ये बात जेन मार्टलेट को बताई कि वो चीज़ उनको परेशान इसलिए कर रही है, बिकॉज ही सॉ स्टारिज ग्लावरिंग एट जेन, क्योंकि उसने स्टारिज को देखा है ग्लावरिंग मतलब घूरते हुए, किसको, जेन को घूरते हुए, और ये बुदबुदाते हुए कि इनको तो मर जाना चाहिए था। लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्लोविस ने स्टारिज को क्या करने के लिए बोला और उसका क्या रिजल्ट हुआ। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कई बार कवर हो चुका है कि क्लोविस ने स्टारिज को एक दीवार पे टंगी हुई जो शॉर्ट थी उसको ले जाकर जेन को देने के लिए बोला था, उसने स्टारिज को बताया कि जेन कॉपी करना चाहती है इस पे जो भी लिखा है सलवार पर, इसलिए तुम जाकर उसको देख के आओ, एंड इट वुड बी हेल्पफुल, और ये भी हेल्पफुल होगा कि तुम उसको बिना शीत के यानी कि ओपनली ले जाओ उसको, इसको केस में बंद करके नहीं ले जाओ, खुला करके ले जाओ, क्योंकि इस तलवार पर जो भी लिखा हुआ है वो इंस्क्रिप्शन को नोट करना चाहती हैं, कॉपी करना चाहती हैं, तो बेहतर है कि तुम उसको खुला ले जाओ। आपसे ये भी पूछा गया है कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि स्टरिज जैसे ही तलवार को लेके गया, जेन मार्टलेट इसको देख कर ही स्विफ्टनेस मतलब बहुत तेज़ी से वहाँ से भागी और उन्होंने अपने विजिट को शॉर्ट कर दिया और वो वहाँ से चली गई। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं थिंक एंड आंसर के। पहला क्वेश्चन है कि हॉल में नेक्स्ट मॉर्निंग लेट ब्रेकफास्ट जब हो रहा था, उसके बाद क्लोविस को अपनी आखिरी इंस्पिरेशन दिखाई दी, वो आखिरी इंस्पिरेशन क्या थी और किस तरीके से उसकी ये इंस्पिरेशन इफेक्टिव साबित हुई उस चीज़ को हासिल करने में, वो जो हासिल करना चाहता था। तो क्या हासिल करना चाहता था, वो जेन मार्टलेट को अपने घर से भगाना चाहता था, उसके लिए उसको लास्ट इंस्पिरेशन क्या दिखाई दी थी ये पूछ रहा है। तो उसका आंसर वही होगा जो अभी अभी डिस्कस किया है, तलवार वाला जो उसने लास्ट ट्रिक अपनाई थी। तो इसका आंसर होगा क्लोविस हैड ऑलरेडी टोल्ड, क्लोविस ने पहले ही जेन मार्टलेट को बता दिया था कि स्टारिज डेल्यूजनल था, स्टारिज को डेल्यूजन आते थे और उसको लगता था कि शी वॉज क्वीन एन, यानी कि जेन मार्टलेट क्वीन एन थी जिनको बहुत पहले मर जाना चाहिए था। हाउएवर हालांकि इस फाइनल इंस्पिरेशन उसकी जो फाइनल इंस्पिरेशन थी जेन की विजिट को कम करने की, वो तब आई जब उसने स्टारिज को अगले सुबह हॉल को क्रॉस करते हुए देखा। ही asked स्टारिज टू टेक एन ओल्ड बास्केट हिल्टेड सॉर्ट, उसने स्टारिज को बोला कि देखो दीवार पर एक ओल्ड बास्केट हिल्टेड सॉर्ट टंगी हुई है, उसको ले जाके जेन को दे दो, क्योंकि उसके अपने हाथ खुद के हाथ ऑयल में पूरा सने हुए हैं, क्योंकि वो साफ़ कर रहा है गोल्फ स्टिक को,
और उसने सर्च को बताया कि जेन जो है वो कॉपी करना चाहती है इस तलवार पे जो भी इंस्क्रिप्शन है, इसलिए उसको इंस्ट्रक्ट किया कि तुम इसको बिना शीट के ले जाओ ताकि कम परेशानी हो नोट करने में, उसको जेन मार्टेट को कॉपी करने में इंस्क्रिप्शन की। इस क्वेश्चन का एक और पार्ट ये पूछा गया है कि हाउ वॉज इट इफेक्टिव, ये चीज़ कैसे इफेक्टिव रही, तो उसका आंसर यहाँ से होगा द प्लान वॉज इफेक्टिव एज क्लॉविस हैड एक्सपेक्टेड, प्लान इफेक्टिव रहा जैसा कि क्लॉविस ने एक्सपेक्ट किया था। एज सून यानी जैसे ही स्टारिच एंटर हुआ मॉर्निंग रूम में उस रॉन के साथ, जेन फ्लेड, फ्लेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फ्ली, भाग जाना, जेन उस कमरे से निकल के भाग गई लाइटनिंग स्पीड, बिल्कुल बिजली की स्पीड की तरीके से। एंड लेटर और फॉरन ही उसने अपने विजिट को क्या करा, शॉर्ट किया, यानी यहाँ से चले जाने का डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू थिंक एंड आंसर इज द इलेबोरेट प्लान ऑफ क्लॉविस टू ड्राइव और जेन अल्टीमेटली प्रूव टू बी अननेसेसरी, यानी जो प्लान इलेबोरेट मतलब इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाया था टू ड्राइव आउट मतलब बाहर निकालने के लिए, जेन को भगाने के लिए जो प्लान बनाया था, अल्टीमेटली का मतलब होता है फाइनली, फाइनली उसका जो प्लान था अनइम्पॉर्टेंट क्यों प्रूव हुआ ये आपको बताना है। तो उसका प्लान अननेसेसरी अनइम्पॉर्टेंट इसलिए प्रूव हुआ क्योंकि जिस दिन उसने अपने प्लान को शॉर्ट किया यानी यहाँ से जाने के लिए तय किया जेन मार्टलेट ने, उसी दिन डोरा का लेटर आया कि उसने यहाँ आने के लिए यानी मिसेस सैंग्रेल के यहाँ आने के लिए अपने विजिट को पोस्टपोन कर दिया है, मतलब वो आ ही नहीं रही है, यानी जिस वजह से जेन मार्टलेट को वो भगाना चाहता था वो वजह ही ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि अब डोरा यहाँ आना ही नहीं चाह रही थी, उसने खुद से अपने प्लान को पोस्टपोन कर दिया था। तो इस वजह से क्लॉविस का सारा प्लान चौपट हो गया। एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन आपको मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर सॉल्यूशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।